दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में तीसरे दिन दोनों ही टीमों के बीच में एक शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय टीम ने पहले दिन को अपने नाम करते हुए शानदार शुरुआत की थी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन के मुकाबले को अपने नाम करके एक खतरनाक प्रदर्शन करके दिखाया था, जिसके बाद ये कहना बेहद ही मुश्किल हो गया था कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल रहेगी। हालांकि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर प्रदर्शन से ये साफ नजर आ रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ रही है, लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते हुए एक शानदार शुरुआत कर दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं तीसरे दिन के पहले सेशन के हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या आज भारतीय टीम इस मुकाबले में बढ़त बनाने में कामयाब होगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करती नजर आ रही हैं। दोस्तों, एक तरफ भारतीय टीम इस मुकाबले की शुरुआत करते हुए पहले दिन शानदार प्रदर्शन करके दिखाई थी, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन पहले अपनी गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी के प्रदर्शन के दम पर दूसरे दिन शानदार पकड़ बना ली थी, जिसके बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। दरअसल पहले दिन के मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसके बाद शुभमन गिल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के अर्धशतकीय पारियों और अपना डेब्यू मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर के शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने अपनी पारी में 345 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। दोस्तों, भारतीय टीम के इन तीनों बल्लेबाजों के अलावा केवल रविचंद्र अश्विन ही न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम के लिए कुछ रन बटोरने में कामयाब हो सके थे। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के आगे रन बनाने में कामयाब नहीं हो सका और दूसरे दिन के खेल की शुरुआत के बाद शानदार खेल का प्रदर्शन करना चालू किया, जिसके चलते भारतीय टीम की पारी दूसरे दिन के दूसरे सत्र में 345 रन में ही सिमट गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम के ओपनर्स विलियम यंग और लेथम ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत देते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की खटिया कड़ी कर दी। एक तरफ जहां लेथम बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से और समझदारी से बल्लेबाजी करते दिखे, तो वहीं न्यूजीलैंड के टीम के युवा ओपनर और अपना पांचवा टेस्ट मुकाबला खेल रहे विलियम यंग ने थोड़ा आक्रामक रूप से पारी की शुरुआत करते हुए भारतीय गेंदबाजों की गेंदों पर चौके जड़ने का काम किया, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम को दूसरे सेशन में एक शानदार शुरुआत का मौका मिल गया और दूसरे सेशन के अंत तक अपनी टीम को एक शानदार स्थिति में लाने में कामयाब रहे। इसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर से शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 100 रन की साझेदारी पूरी कर ली और ये एक शानदार शुरुआत दे दी थी, जिसके चलते दूसरे सत्र में खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 130 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों, शुरू हुई तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांधते हुए नजर आए, जिसके बाद एक बार फिर से पूरा खेल भारतीय टीम की ओर झुकता नजर आ रहा है। इसी बीच भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज रविचंद्र अश्विन ने अपनी शानदार गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम की ओर से शानदार और खतरनाक बल्लेबाजी करते आ रहे यंग को विकेटकीपर श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन लौटा दिया। वहीं तीसरे दिन की शुरुआत में एक बहुत बड़ा बदलाव भारतीय टीम में देखने को मिला, जब पहले मुकाबले में शामिल रिद्धिमान साहा की जगह केएस भरत मैदान पर खेलते नजर आए। दरअसल दूसरे दिन के खेल समाप्त होने के बाद रिद्धिमान साहा के गर्दन में तकलीफ हो जाने के कारण केएस भरत ने बिना डेब्यू के कीपिंग करने का जिम्मा संभाला और उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की पहली कैच को पकड़कर न्यूजीलैंड का पहला विकेट चटकाने में अश्विन की मदद की। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम का पहला विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाज एक बार फिर से काफी शानदार तरीके से गेंदबाजी करते नजर आए, जिसके कारण न्यूजीलैंड की टीम की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान केन विलियमसन भी काफी परेशान है और बड़े शॉट खेलने में कतराते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी छोर पर खड़े लेथम भी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस खेल में एक बार फिर से पकड़ बना ली है। दोस्तों, कानपुर के मैदान को देखकर ये साफ तौर पर जाहिर है कि वो समय समय पर अपना रुख खिलाड़ियों के लिए बदल रहा है। जिस तरह की वापसी की भारतीय टीम से अपेक्षा की जा रही थी, कुछ उसी तरह की वापसी करने में भारतीय गेंदबाज सफल होते नजर आए हैं। इसे देखकर ये साफ जाहिर होता है कि अब भारतीय टीम किसी भी हद में इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में कर न्यूजीलैंड को दबोचना चाहेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा कर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।